गरियाबंद जिले के शासकीय पंडित श्याम शंकर महाविद्यालय व नवीन महाविद्यालय गोहरा पदर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किडनी प्रभावित ग्राम पंचायत सुपेबेड़ा में किया गया। इस दौरान प्रथम दिवस पर मुख्य अतिथि सरपंच ग्राम पंचायत सुपेबेड़ा व दोनों महाविद्यालय के प्राचार्य मौजूद रहे। गरियाबंद जिले के शासकीय पंडित श्याम शंकर महाविद्यालय व नवीन महाविद्यालय गोहरा पदर की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई द्वारा 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन 13 दिसंबर से किडनी प्रभावित ग्राम पंचायत सुपेबेड़ा में किया गया। इस दौरान प्रथम दिवस पर मुख्य अतिथि सरपंच सुपेबेड़ा एवं देवभोग महाविद्यालय के प्राचार्य TS मरकाम व गोहरा पदार प्राचार्य TS सोनवानी मौजूद रहे। इस दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वितीय दिवस पर देवभोग थाना प्रभारी सत्यम सिंह श्याम जी धोती दिवस के बौद्धिक परिचर्चा में बच्चों को समाज में पुलिस की भूमिका के बारे में बताया गया और बच्चों को यातायात संबंधी भी जानकारी दी गई। इस शिविर में लगभग 120 शिविरार्थी स्वयं सेवक छात्र छात्राएं एवं प्रधान अध्यापक अपनी सहभागिता बहुत ही अच्छे ढंग से निभा रहे हैं। कार्यक्रम अधिकारी TS मरकाम ने बताया कि 13 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवकों द्वारा शिविर में प्रतिदिन प्रातः योग एवं व्यायाम शिविर प्रभात फेरी के तहत प्रेरणा गीतों का गांव के गलियों में गुंजन करने के साथ ही प्रेरक नारे लगाए जा रहे हैं। परियोजना कार्य के तहत विभिन्न सार्वजनिक स्थानों की सफाई करते हुए निर्माण कार्य किया जाएगा। बौद्धिक परिचर्चा कार्यक्रम के तहत प्रतिदिन कृषि एवं पशुपालन, पुलिस एवं परिवहन, स्वास्थ्य विभाग के साथ वक्ताओं द्वारा ग्रामीणों एवं शिविरार्थी के बीच विभिन्न विषयों पर परिचर्चा आयोजित किए जा रहे हैं। शिविर में ग्रामीण जनों एवं शिविरार्थी स्वयं सेवकों के बीच प्रतिदिन देसी खेलों का आयोजन, रात्रि में संगीत, कविता रिकॉर्डिंग, नृत्य, नुक्कड़ों नाटकों के साथ साथ जागरूकता संदेश देने का प्रयास भी किया जाएगा। इस दौरान शिविर का नायक धर्मेंद्र सिन्हा व जोगेंद्र प्रधान एवं नायिका कुमारी रेखा सोना, कुमारी दीपा एवं भारती को चुना गया है। शिविर का सफल संचालन हेतु विभिन्न दल एवं समितियों का दल गठन किया गया है। हम यहाँ सुपेबेड़ा में कैंप लगाए हैं 7 दिवसीय, जो हमारा कॉलेज है शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र देवभोग कॉलेज से हम लोग सुपेबेड़ा में कैंप लगाए हैं। इस कैंप में हम बच्चों की शारीरिक वृद्धि के साथ साथ उसकी बौद्धिक वृद्धि पर भी उसको सिखाया जा रहा है, ताकि वो आगे जाके अच्छे से विकास कर सके। और उसका एक शेड्यूल बनाया गया है 7 दिन में, मतलब दिनचर्या बनाया गया है कि कैसे कैसे उसको वर्क करना है। तो सुबह उठ के सबसे पहले वो लोग प्रभात फेरी करेंगे, उसके बाद उनका व्यायाम करवाया जाएगा, फिर परियोजना करवाई जाएगी और ऐसे करके उसको अलग अलग ग्रुप में बांट के कार्य दिए गए हैं। हाँ, हमारे यहाँ शासकीय पंडित श्याम शंकर मिश्र महाविद्यालय देवभोग के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई और शासकीय नवीन महाविद्यालय गोरा मदन के राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई दोनों के संयुक्त तत्वाधान में आज ग्राम सुपेबेड़ा में 7 दिवसीय शिविर 13 से 19-12 तक के जो है लगाया गया है, जिसमें हर दिन जो है अलग अलग गतिविधि होगी। बौद्धिक परिचर्चा में अलग अलग विभाग के अधिकारी उनको जो है बुलाया गया है और हर दिन जो है एक परियोजना कार्य होता है। उस परियोजना कार्य में जो है राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयं सेवक जो है गली की साफ सफाई करेंगे, बोरिंग है जैसे गंदगी है वहाँ की साफ सफाई करेंगे। सबसे पहले जो है हमने प्लान तैयार किया है, सबसे पहले इस स्कूल के आसपास की पहले साफ सफाई करेंगे, उसके बाद जो है गली में उतरेंगे। और लोगों को यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध अभी हुआ है सुपेबेड़ा में किडनी बीमारी के नाम से, उस पर लोगों को जागरूक करने का प्रयास करेंगे हम लोग। गरियाबंद से लतीफ मोहम्मद की रिपोर्ट ACN24।